नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेट टेबल के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको फॉर्मेट एस टेबल, हमें इसका यूज़ करना है आज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम एक कैलेंडर बनाएंगे फॉर्मेट एस टेबल का यूज़ करके। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ कुछ बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट एस टेबल यहाँ से कोई भी थीम, ये सभी थीम एक जैसी है, सिर्फ कलर बस चेंज है और लाइनिंग चेंज है। तो आप कोई भी थीम ले सकते हो, जैसे हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इसे हमें क्या करना है, ओके कर देना है और होम में जाना है हमें और यहाँ से इसे ऑल बॉर्डर कर देना है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कैलेंडर बना रहे हैं एक नवंबर मंथ का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करके और इसे मर्ज एस सेंटर कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नवंबर मंथ 2019। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ कॉलम 1 2 3 लिखा है इसकी जगह हम लिख देंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और एंडिंग है सैटरडे। इन सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेंटर में कर देंगे। और अब हमें पता है कि हमारा जो एक तारीख है वो पड़ा है फ्राइडे को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तारीख लिख देंगे और सैटरडे को लिख देंगे 2 तारीख। अब हम आते हैं संडे पे, तो हम संडे पे हमारी कितनी 3 तारीख है, इसके बाद नेक्स्ट संडे पे जो है हमारी क्या तारीख आएंगी, 10 तारीख। उसके बाद अगले संडे पे आएंगी हमारी 17 तारीख और अगले संडे पे आएंगी हमारी 24 तारीख। अब हमें क्या करना है, इसी के आगे मंडे का भी लिखना है, जैसे 3 के बाद 4 आ जाएगा, 10 के बाद 11 आ जाएगा, 17 के बाद 18 आ जाएगा, 24 के बाद 25 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को, संडे और मंडे को सेलेक्ट करना है, इस चौथी रो को यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है और इसे इतना पूरा सेलेक्ट कर लेना है संडे मंडे के तारीख को और इसके कॉर्नर पे रखना है हमें। और अब देखिए जो ये प्लस का सिंबल बन रहा है उसको पकड़ना है हमें और लास्ट तक ले जाना है सैटरडे तक और इसे छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ोगे तो यह पूरे डे निकल के आ जाएंगे हमारे पास। तो इससे आप आसानी से कैलेंडर बना सकते हो फॉर्मेट टेबल का यूज़ करके। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।